अगर अभी तक आपकी एक भी रील वीडियो वायरल नहीं हुई है, देन इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में जो भी टिप्स मैंने बताए हैं, अगर आप 1 मंथ तक उसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, देन आई गारंटी आपकी एक ना एक रील जरूर वायरल होगी। तो क्या है वो टिप्स, चलिए देखते हैं। एड हुक इन द बिगिनिंग। आपको अपनी रील वीडियो के स्टार्टिंग में एक ऐसी हुक लाइन क्रिएट करनी है जिसको सुनने के बाद आपकी ऑडियंस पूरी तरीके से उस वीडियो में रुके एंड शुरू से लेकर लास्ट तक देखे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बाहुबली 2। हम सब ने बाहुबली 2 का वेट किया एंड उसे देखा भी। इसका रीजन क्या था? रीजन बिल्कुल सिंपल है, उन्होंने एक हुक लाइन क्रिएट कर दी थी। वो हुक लाइन क्या थी? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो उसका रीजन जानने के लिए हमने बाहुबली 2 भी देखी। तो आपको एक ऐसा रीजन देना है, एक ऐसी हुक लाइन क्रिएट करनी है जिससे आपकी ऑडियंस पूरी तरीके से आपकी वीडियो में रुक जाए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे। कुछ ना कुछ हमें ऐसा बोलना है जिससे हमारी ऑडियंस हमारी वीडियो को पूरा देखे, पूरा ऑडियंस रिटेंशन हमको मिले और रील वीडियो वायरल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए। ऐड कैप्शंस इन योर रील्स। आप जब भी अपनी रील वीडियो को क्रिएट करते हो उसमें कैप्शन डालने की कोशिश किया करो। कैप्शन यानी जो भी आप कह रहे हो उसको टेक्स्ट की फॉर्म में दिखाना है अपनी वीडियो के अंदर। तो इससे होगा क्या, काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी रील वीडियो के साउंड को म्यूट किया होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब भी आपने ये चीज की होगी, कैप्शन डाला होगा, देन वो आपके साउंड को बिना सुने ही आपकी रील को अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड इससे आपकी रील को अच्छा खासा रीच मिलेगा, अच्छा खासा एंगेजमेंट मिलेगा और रील वीडियो वायरल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एडिंग टेक्स्ट एंड स्टिकर्स इन सेफ एरिया। काफी लोग टेक्स्ट एंड स्टिकर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी रील वीडियो पर, लेकिन प्रॉपर जगह पर उसको वो इंप्लीमेंट नहीं करते, उसको ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी रील वीडियो वायरल नहीं होती। जब भी हम किसी की रील वीडियो को देखते हैं दो चीजें बहुत ही ध्यान देने वाली हैं। फर्स्ट, राइट साइड पर लाइक एंड कमेंट का सेक्शन एंड बॉटम में आपका नाम एंड कैप्शन का सेक्शन। अब जो भी आप टेक्स्ट या स्टिकर डालेंगे इस सेक्शन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इवन टच भी नहीं करना चाहिए। इससे होगा क्या, आपकी रील वीडियो थोड़ी प्रोफेशनल लगेगी, अदरवाइज आपकी रील वीडियो अनप्रोफेशनल लगेगी अगर आप टेक्स्ट या स्टिकर्स को इसके आगे या इससे टच भी कर लेते हैं तो। इससे रील वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। डोंट जंप इन एवरी ट्रेंड। काफी लोग ये गलती करते हैं, इंस्टाग्राम पर जो भी ट्रेंड आता है वो उस पर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रेंड पर वीडियो बनाना चाहिए, जो भी ट्रेंड आए उसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हर ट्रेंड आपके लिए अच्छा नहीं। सबका अकाउंट डिफरेंट होता है, सबकी कैटेगरी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है कि आपकी कैटेगरी क्या है। सबसे पहले ये नोट डाउन करने के बाद आपको अज्यूम करना है जो ट्रेंड आया है क्या वो कैटेगरी में, मेरे कैटेगरी में सूट करता है, मेरे कैटेगरी में एडजस्ट हो सकता है। अगर एडजस्ट हो सकता है देन इट्स ओके, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर एडजस्ट नहीं हो रहा, ज़बरदस्ती आप उस ट्रेंड को अपने अकाउंट में ला रहे हो, इससे आपके अकाउंट की रीच डाउन हो जाएगी, लोग आपकी रील वीडियो को नहीं देखेंगे। इसलिए वही ट्रेंड आप अपने अकाउंट पर लेके आओ जिससे लोग आपको देखना पसंद करें, जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट हो सके। सो ट्रेंड ऐसा हो जो आपके अकाउंट में पूरी तरीके से सूटेबल हो। ऐसा वैसा कोई भी ट्रेंड उठाकर अपने अकाउंट में मत लाओ, इससे आपका अकाउंट डैमेज हो सकता है, आपके अकाउंट की रीच डाउन हो सकती है और रील वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे। डोंट डिलीट रील्स वीडियोस। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जब आपके पर्टिकुलर रील वीडियो पर व्यूज नहीं आते, देन आप उस रील वीडियो को कुछ दिन देखते हो उसके बाद डिलीट कर देते हो। गाइस, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या होगा, मेरी एक रील वीडियो थी, वैसे तो बहुत सारी रील वीडियो थी जिनको मैंने डिलीट तो नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा यार व्यूज तो नहीं आ रहे, डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन मेरे माइंड पर भी ये बात आई, लेकिन मैंने डिलीट नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने 1.5 महीने उसको छोड़ दिया। वैसे 1.5 महीने का वो रील ऑटोमेटिकली वायरल हो गई गाइस। तो आप यहाँ से समझ सकते हो आपकी रील वीडियो जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में वायरल हो जाए या 2 दिन में वायरल हो जाए। कई बार आपकी रील वीडियो को वायरल होने में टाइम लगता है, कई बार 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं एक पर्टिकुलर रील वीडियो को वायरल होने में। सो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी रील वीडियो को डिलीट नहीं करना है। हाँ, उस रील वीडियो को डिलीट करना है जहाँ पर आपको लगे इस वीडियो में बिल्कुल भी मैंने अच्छा काम नहीं किया, 0% मेरा काम है एंड यहाँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल सकता। अगर आप 100% श्योर हो तो ही आप उसे डिलीट करना। लेकिन अगर आपको लगता है 1% इसमें कुछ ना कुछ है, 1% कुछ देखने वाला है, देखने लायक है, देन आप उसको 100% रखना है यार, उसको डिलीट मत करना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है उस 1% से भी आपकी रील वीडियो वायरल हो सकती है। सो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज आपकी रील वीडियो वायरल नहीं होगी। अगर आप डिलीट ही करते रहोगे तो वही वीडियो कहाँ जाएगी, कोई भी नहीं देखेगा। यूज स्पेशल ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। यार ट्रेंडिंग सॉन्ग तो सुना था, अभी स्पेशल ट्रेंडिंग सॉन्ग क्या है बताता हूँ गाइस। नॉर्मली जब भी हमें कोई ऐसा सॉन्ग दिखता है जिस पे व्हाइट टिक बना होता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, जो गलत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन स्पेशल ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते रहना है एंड वन बाय वन ट्रेंडिंग साउंड चेक करना है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेंडिंग साउंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट टिक भी बना हुआ है, यहाँ पर हमने क्लिक करना है एंड यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ ये एक स्पेशल ट्रेंडिंग साउंड है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस पर 1709 रील्स ही बनी हुई है, मतलब 1709 लोगों ने ही इसका इस्तेमाल किया हुआ है
इसका मतलब ये है यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर अगर आप रील वीडियो डालते हो आपकी रील वीडियो वायरल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बस आपको ऐसे ही स्पेशल ट्रेंडिंग सॉन्ग फाइंड करने हैं जिसमें 10,000 या 10,000 से कम रील्स वीडियो बनी हो, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम रहेगा, रील वीडियो वायरल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। डिलीट बोरिंग एलिमेंट्स। जब भी आप अपनी रील वीडियो को अपलोड करते हो, अपलोड करने से पहले आपको एक बार जरूर अपनी रील वीडियो को रिव्यू करना चाहिए। जब आप रिव्यू करोगे यहाँ से आपको पता चलेगा आपकी वीडियो में कोई बोरिंग एलिमेंट है या नहीं। अगर आपकी वीडियो में कोई बोरिंग एलिमेंट मिल जाता है देन उस बोरिंग एलिमेंट को आपको डिलीट कर देना है, उसके बाद अपनी रील वीडियो को एडजस्ट करके आपने अपलोड करना है। जब आप ऐसा करोगे आपकी वीडियो पूरी तरीके से एंगेजिंग रहेगी, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे लोग और इससे रील वीडियो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आपको अपनी वीडियो के जो भी बोरिंग एलिमेंट है उसको रिमूव करना है ताकि आपकी वीडियो से लोग बोर ना हो, आपकी वीडियो को पूरा देखें एंड आपकी रील वीडियो वायरल हो सके। डोंट मेक लॉन्ग रील्स। इंस्टाग्राम पर जो मैक्सिमम रील्स वायरल होती हैं वो 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड की होती हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ 60 सेकंड की रील्स वायरल नहीं होती, 90 सेकंड की रील वायरल नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैक्सिमम रील्स जो वायरल होती हैं 10 सेकंड से 15 सेकंड की रील्स होती हैं। इसलिए आपको मैक्सिमम की तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप 10 से 15 सेकंड की रील बनाओ। आप 90 सेकंड की रील भी बना सकते हो, 60 सेकंड की रील भी बना सकते हो, लेकिन तब जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो। आपको अगर लगता है कि आप ऑडियंस को पूरी तरीके से रोक सकते हो 90 सेकंड तक 60 सेकंड तक, देन डेफिनेटली आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो देन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप 15 से लेकर 10 सेकंड तक रील बनाओ, मतलब 10 सेकंड से 15 सेकंड तक रील बनाओ। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, रील वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड और वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड।